ओम शांति। अष्टमी पर महागौरी देवी की पूजा होती है। महागौरी के लिए कथा यही दर्शाती है कि जब महागौरी ने घोर तपस्या करके उसका शरीर भी एकदम शाम हो गया तपस्या के कारण, तो परमात्मा शिव अवतरित होकर के उसके शरीर को पूर्ण गौरा रूप दे देते हैं और उसमें शक्ति भर देते हैं। नारी का ये स्वरूप जब अनेक प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते हुए ये तपस्या में जब कभी कभी जीवन के अंदर उमंग उत्साह की कमी आ जाती है, तब परमात्मा शिव उसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन के अंदर जो तूफान, अनेक प्रकार के बादल, गर्जनाएं जब समाप्त हो जाती है, उन सभी को सहजता से पार कर देती है, तब नेचुरल है कि वो उमंग उत्साह कम होने के कारण परमात्मा शिव उसमें नई चेतना का संचार करते हैं, जिसमें परिवार के अंदर शांति, संतोष आने लगता है। आज हर इंसान जीवन के अंदर सिद्धि चाहता है। सिद्धि यानी सफलता, जिस क्षेत्र में भी वो है सफलता चाहता है, और उसी के लिए वो मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना करता है, क्योंकि ये सफलता का वरदान वही दे सकती है। ये सिद्धि उनसे ही प्राप्त हो सकती है जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। नारी का ये स्वरूप अर्थात जैसे जैसे वो नारी बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ती है, तो वो अपने परिवार को सफलता का वरदान देती है। हमें स्मरण कराता है कि अपने घर के अंदर बुजुर्ग मां जो है उसका तिरस्कार न करे। उनका ये स्वरूप परमात्मा शिव को अति प्रिय है, और जो नारी के इस स्वरूप की इज्जत करता है या इज्जत करना जानता है, उसके ऊपर सदा परमात्मा शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद का हाथ सदा उस परिवार के ऊपर बना रहता है। इसीलिए मां का त्याग, मां ने जो सहन किया, मां ने जो हर परिस्थिति को पार करने में मदद किया, उमंग उत्साह भरा, इनके ऋण को कभी चुका नहीं सकते हैं। हर कोई चाहता है कि बाकी 7 दिन देवियों से जो कुछ भी मिलता है सहज मिल जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन जो मां से प्राप्ति कर सकता है वो जीवन के अंदर जैसे अनमोल खजाने का स्वरूप बन जाता है।